नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है, जिसे आपके लिए जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो जानेंगे इन खबरों को एक एक करके। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चाहते हैं ये महामारी जल्द पूरी दुनिया से खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि सरकार की तरफ से इस आपदा की घड़ी में बहुत बड़ी घोषणाएं की गई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि आप वीडियो को स्किप कर दें तो कोई जरूरी खबर छूट जाए, जिसे आपको फायदा हो सकता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम जो भी खबर लाते हैं वो खबर पूरी तरह से सच होती है, क्योंकि हम सभी खबर को जांच परख के आपके सामने लाते हैं। तो चलिए, आपका ज्यादा समय ना लेते हुए खबरों की सिलसिला को शुरू करते हैं। पहले आपको फटाफट बता देते हैं कि भारत में कोरोना मरीजों की अभी क्या स्थिति है। तो दोस्तों, भारत में अभी तक 4478 लोग इस महामारी से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि दुख की बात तो ये है कि हमारे 136 भारतीय कोरोना से जंग हार गए। हालांकि खुशी ये है कि अभी तक भारत में 382 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। बात करें अगर पूरी दुनिया की, तो अभी तक पूरी दुनिया में 13,46,937 लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ गए हैं। तो दुख की बात ये है कि 74,750 लोग इस महामारी से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। हालांकि 2,86,345 लोग इससे ठीक भी हो चुके हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब बात करें पहली बड़ी खबर की जो सामने आ रही है, तो आप देख सकते हैं बड़ी खबर, लॉकडाउन से राहत के लिए मेगा प्लान, जाने किन पर रहेगा प्रतिबंध और किसे मिलेगी छूट। आपको बता दें, सरकार की 21 दिनों की लॉकडाउन की डेडलाइन अब खत्म होने को है, लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण में कोई कमी नहीं आई है। दिन ब दिन मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है, इसलिए सरकार इस मंथन में जुट गई है कि आखिर इससे बाहर आने का रास्ता कैसे बने। फिलहाल जो प्रस्तावित मेगा प्लान है, उसके तहत सभी राज्यों को 4 कैटेगरी में बांटने का प्रस्ताव है, और उसी हिसाब से अलग अलग राज्यों या फिर जिलों में लॉकडाउन हटाने और सेवा शुरू करने के बारे में सोचा जा रहा है। आपको बता दें, जहां ज्यादा कोरोना के मामले हैं वहां सरकार लॉकडाउन नहीं हटाएगी, लेकिन जिन राज्यों में पिछले 7 दिनों में कोरोना का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, वहां राहत मिल सकती है। लेकिन नए केस आने की स्थिति में फिर से नए सिरे से प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। यह तो तय है कि लॉकडाउन एक साथ खत्म नहीं होगा। तो लॉकडाउन खोलने के लिए सरकार ने मानकों के आधार पर राज्यों को 4 कैटेगरी में रखा है। अभी जिन राज्यों में कोरोना के 50 से अधिक केस हैं, उन राज्यों को 4th कैटेगरी में रखा गया है, यानी यहाँ गंभीर स्थिति है और यहाँ लॉकडाउन पहले की तरह लागू रहेगा और जरूरी सामान के अलावा सारी गतिविधियाँ पहले की तरह ही प्रतिबंधित रहेगी। वहीं जिन राज्यों में 20 से अधिक केस हैं, या फिर उन राज्य के 30% जिले कोरोना से प्रभावित हैं, या फिर प्रति 10 लाख आबादी में 1 से 2 कोरोना के मरीज वाले राज्यों को 3rd कैटेगरी में रखा गया है, और यहाँ भी 4th कैटेगरी की तरह लॉकडाउन जारी रहेगा, लेकिन जरूरी गतिविधियों के अलावा कुछ अन्य छूट भी दी जा सकती है। तो वहीं जिन राज्यों में पिछले 7 दिनों में कोरोना के एक भी नए मरीज नहीं आए हैं, उन राज्यों को दूसरे और पहले कैटेगरी में रखा जाएगा। इन राज्यों में रेल, बस और हवाई सेवाओं में प्रतिबंधों के साथ कुछ ढील दी जा सकती है, लेकिन यह छूट केवल राज्य के भीतर ही सीमित रहेगी और दूसरे राज्यों से लोगों के आने जाने पर प्रतिबंधित जारी रहेगा। वहीं पहली श्रेणी के राज्यों में प्रशासन की अनुमति से आर्थिक, शैक्षणिक व अन्य गतिविधियों को शुरू करने की इजाज़त मिल जाएगी। यहाँ रेल, हवाई और जल मार्ग से यातायात की सेवाएं बहाल तो होगी, लेकिन कोरोना से प्रभावित जिले या कैटेगरी 3 व 4 वाले राज्यों में इससे आने जाने की अनुमति नहीं होगी। रेलगाड़ी में लोग यहाँ चढ़ और उतर तो सकते हैं, लेकिन किसी को भी कोरोना प्रभावित राज्य या जिले में चढ़ने या उतरने की अनुमति नहीं होगी। जबकि पहली कैटेगरी इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। तो दोस्तों, सरकार इस तरह से प्लान बनाकर लॉकडाउन देगी। अगर आपके राज्य में कोरोना के केस कम है तो आपके यहाँ से लॉकडाउन हट जाएगा, लेकिन आपके राज्य में कोरोना के ज्यादा मामले हैं तो आपको अभी भी इंतजार करना होगा। अब बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि इस तारीख को खुलेंगे स्कूल कॉलेज, सरकार ने की घोषणा। तो आपको बता दें, लॉकडाउन की खत्म की तारीख 14 अप्रैल है। जैसे जैसे खत्म होने का समय नजदीक आ रहा है, लोगों की बेसब्री बढ़ती जा रही है। वैसे तो लोगों के मन में ये भी डर है कि कहीं लॉकडाउन की अवधि बढ़ा तो नहीं दी जाएगी। इसी बीच एक सवाल है कि लॉकडाउन खुलने के बाद स्कूल कॉलेज कब से खुलेंगे। देश भर के नए शैक्षणिक सत्र का समय बीता जा रहा है, बोर्ड समेत कई महत्वपूर्ण परीक्षाएं, एडमिशन प्रक्रिया थमी हुई है, तो ये तभी शुरू हो सकेगी जब स्कूल कॉलेज खुले जाएंगे। वैसे तो अंदाजा लगा रहे हैं कि शायद 15 अप्रैल से ही स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएंगे। हालांकि अब इस सवाल का सरकार की ओर से जवाब आया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा, स्टूडेंट और टीचर्स की सुरक्षा सरकार के लिए सबसे अहम है। इस देश में करीब 34 करोड़ स्टूडेंट्स हैं और ये आंकड़ा अमेरिका की जनसंख्या से ज्यादा है।
और ऐसे में ये फैसला ले पाना मुश्किल है कि लॉकडाउन के तुरंत बाद स्कूल कॉलेज खोले जाएंगे या नहीं। सरकार ने फैसला किया है कि 14 अप्रैल को हालात की समीक्षा की जाएगी और उसी के आधार पर ही फैसला होगा कि स्कूल कॉलेज तुरंत खोले जाएंगे या आगे भी कुछ और समय के लिए बंद रहेंगे। रमेश पोखरियाल ने आश्वस्त किया है कि अगर 14 अप्रैल के बाद भी स्कूल कॉलेज बंद रहते हैं तो उनका मंत्रालय ये सुनिश्चित करेगा कि इससे स्टूडेंट का नुकसान ना हो। तो दोस्तों अभी तक कंफर्म नहीं है कि 14 तारीख को स्कूल खुलेंगे या नहीं, हो सकता है आगे और कुछ दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। अब बात करें तीसरी बड़ी खबर की, तो ये बड़ी खबर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीयों पर कोरोना वायरस नहीं कर पा रहा गंभीर हमला। जैसा कि आप जानते हैं दुनिया के विकसित देशों में कोरोना ने जमकर तबाही मचाई है और वहाँ हालात बेकाबू हो गए हैं, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिकों को लगने लगा है कि भारतीयों के पास सौभाग्य से कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये वायरस भारतीयों पर अपना जोरदार हमला नहीं कर पा रहा है। हाल ही में कई वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि जिन देशों में मलेरिया संक्रमण ज्यादा है वहाँ कोरोना वायरस ज्यादा लोगों को संक्रमित नहीं कर पा रहा है। इसके उलट जिन देशों में मलेरिया की बीमारी बहुत पहले से खत्म हो चुकी है वहाँ कोरोना का हमला काफी गंभीर है। मसलन अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन जैसे देशों में कोरोना वायरस ज्यादा तेजी से फैला है। यहाँ औसतन कोरोना वायरस पॉजिटिव लोगों की संख्या लाखों में पहुँच चुकी है, लेकिन भारत समेत सभी विकासशील देश जहां मलेरिया का प्रकोप है वहां कोरोना वायरस के मामले यूरोपीय देशों के मुकाबले काफी कम है। आपको बता दें कोरोना वायरस से बचाव में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही सबसे ज्यादा कारगर दवा के रूप में उभरी है। अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया समेत कई यूरोपीय देश इसी दवा से कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं। अब बात करें चौथी बड़ी खबर की, तो ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। ट्रंप ने दी चेतावनी, भारत ने अगर नहीं भेजी दवा तो उसे अमेरिका का बदला झेलना होगा। दोस्तों अमेरिका में कोरोना वायरस के बढ़ रहे खतरे के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बेहद सख्त लहजे में भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा भेजने की मांग की है। ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर भारत कोरोना वायरस से लड़ने के लिए महत्वपूर्ण दवा का निर्यात नहीं करता है तो उसे अमेरिका का बदला झेलना पड़ सकता है। दोस्तों जैसा कि हमने आपको तीसरी बड़ी खबर में बताया था कि कोरोना वायरस से बचाव में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ही सबसे ज्यादा कारगर दवा के रूप में काम आ रही है, तो अमेरिका जैसे देशों में जहां मलेरिया खत्म हो गया है तो उनके पास अब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा नहीं है क्योंकि वे इनका उत्पादन ही नहीं करते। तो ऐसे में अमेरिका ने भारत से इस दवा को मांगा है क्योंकि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इसका रोगियों पर इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो सके। लेकिन आपको बता दें भारत ने इस दवा के निर्यात पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि देश में जरूरी दवाओं की कमी नहीं हो, हालांकि सरकार ने इसके लिए अब छूट किए हैं। दोस्तों बात करें पांचवी बड़ी खबर की, तो योगी सरकार का बयान